कोरोना वायरस ने जिस तरह से कहर बरपाया और देश में समस्याएं पैदा की, अब इस कोरोना को हराने के लिए खुशखबरी की लाइन लग गई है। भारत बायोटेक को देश में कोविड 19 की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। DCGI ने भारत बायोटेक और ICMR द्वारा तैयार की गई वैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। जानवरों और क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण के नतीजों के आधार पर यह मंजूरी भारत बायोटेक लिमिटेड को मिली है। इसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल 10 राज्यों में होंगे। इस तीसरे चरण के ट्रायल में ये वैक्सीन करीब 28,000 लोगों को दी जाएगी। भारत बायोटेक लिमिटेड ने इस महीने की शुरुआत में पहले दो चरणों के नतीजों के आधार पर तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मांगी थी, जिसे अब दे दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इसके नतीजे अगले साल फरवरी तक आ सकते हैं। भारत बायोटेक और ICMR द्वारा तैयार ये वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है। इसे ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। इसके अलावा भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तीसरे चरण का ट्रायल कर रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।